अपील भी 25 तारीख को वोट करेंगे। कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा, उसके सामने का बटन दबाना, अब और नहीं है, बटन दबाना पड़ता है। जब बटन मैं दूसरी साथ में मशीन लगी तो मैं निशान आ जाता है कि हाँ भाई वोट पड़ गया आपका, हाथ का निशान आएगा, तब तक बटन दबा के रखना है। और सतपाल ब्रह्मचारी को विजय बनाना है, आगे के काम मेरे हैं। चौधरी साहब से पैसा लेना जानता हूँ, रुखा साहब तो दानवीर आदमी है। आज तक इस चौपाल में कह रहा हूँ, मेरी एक भी बात चौधरी साहब ने मना नहीं करी। जितने नौकरी लगाई नौकरी खूब, 36 बिरादरी की नौकरी लगवाई हमने, ये नहीं मैं कोई अपना भाई बंद लगवा लिया हो, लेकिन पहले 36 बिरादरी का जो भी आदमी आता था मैं रिक्वेस्ट कर लेता था, उधर साहब से हमारी गरीब आदमी, मैंने इसका व्यवहार देखा है, आवश्यकता है इस परिवार में नौकरी होगी, उसी को नौकरी लगाई। और काम में आपने बता दिए, सारे काम बहुत किए हैं, और यह भाइया गाड़ी जो है चलना है कांग्रेस पार्टी का रथ, ये भाई ने मेरे लिए लगा रखा है, लेकिन मेरे हुड्डा जी ने मेरे सामने कहा भाई सतपाल ब्रह्मचारी का लगा था ये। और भी जो गाड़ी कई हमारे ऐसे साथी हैं, 221 गाड़ी सबने लगा रखी है, अपने उजड़ी भाई अपने डोंगला उंगला है, चाय भी तारी, दूध भी तारा, रोटी भी तारी, और ये महसूस नहीं होने के बाद हमने कोई एमपी बनाया था हमारे काम में भी नहीं आया, तो हमें आज उन्होंने लग गया बाबा रुचि हम लग गया यहाँ। तो इसलिए आपका सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, जहाँ उत्तर साहब के साथ गाँव में जहाँ पूरे गोहाना हल्का में सब जगह बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम, सब जगह शर्त लगती है कि हम 90% 80% वोट से ज्यादा वोट दिलाएंगे, एक जगह बोला चौधरी साहब ने बोला 13-13 100% वोट दिलवाए, बोला 2-4 कम रह गए मुर्गे घर के होंगे, चौधरी साहब को बता सारे वोट एक गाँव पहुंचा पहुंचा जी पहुंचा था दो दुआ में, बोला सारे वोट आप देखिए और आगे फेर देवेंगे, तो बोले रिकॉर्ड तोड़ देंगे भाई, हमने तय किया है जो गांव सोनीपत में नंबर वन पे आएगा, जी जिला सो दो गांव उनको वो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम योजना ना के दो टिप्पे, उनमें इतना लेटरिंग है ना बाथरूम में, जो प्रधानमंत्री योजना के गांव है, भूपेंद्र हुड्डा जी से सीएम साहब से रिक्वेस्ट करके जो गांव सबसे ज्यादा प्रतिशत रहेगा वोटों में, उस गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम घोषित कराया जाएगा। और ऐसे ही झींग में दो गांव, एक झींग डिस्ट्रिक्ट में एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो देखते हैं भाई कौन सा गांव सबसे ज्यादा वोट देगा प्रतिशत के आधार से, मान लो 1000 वोट अगर वो 280-270 दे दे 800 दे दे तो उसका प्रतिशत निकाल लिया जाएगा, और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है भाई, इसमें कोई संशय नहीं है। 1-2-3 तो हिसाब भी अभी यंग बॉय की तरह दौड़ते हैं, जैसे जवान सुबह दौड़ते हैं ना, जवान दौड़ते ऐसे चलते हैं, और भाई हमारा आरोपी बहुत पद है सरकार में, चेयरमैन के कम से कम 200 पद होते हैं, मंत्रियों के बाद चेयरमैन के ही 200 पद है हरियाणा सरकार में, तो ये सारी कार्यक्रम झंडी वाली गाड़ी को मैं करेंगे, मैं ये कहूँ भाई धन्यवाद जय हिंद, मैं तो आऊंगा उससे अपनी पुरानी गाड़ी में, लेकिन मैं सबके झंडी लाग जाएंगे, मैं आपके बीच में घोषणा करके जाऊँ जो मैं देख रहा हूँ भाई, एंट्री का कोटा तो ये जावे है, मंत्रिमंडल में पूछेंगे नहीं पूछेंगे तो जो हिसाब से रिक्वेस्ट कर लेंगे, सबकी एडजस्टिंग होगी, धन्यवाद जय हिंद जय भारत।